आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता। सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो है आचार संहिता लागू हो चुकी है। पांच राज्यों में चुनाव जो है तिथि भी घोषित हो चुकी है। इसी दरमियान सुल्तानपुर में 27 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और 10 मार्च को इसका परिणाम आएगा। और हम तमाम लोग हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का CM इस बार क्या कौन होगा। क्या नाम है आपका? इस बार उत्तर प्रदेश का CM कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ। आप यहाँ जो है यहाँ के सदर विधायक सुल्तान सिंह रहे, आप हमको एक काम बताइए कि जो कि सुल्तानपुर नगर जो है जाना जाए जो है उस विषय। भैया काहे सुल्तान सिंह का विकास पूछ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का विकास पूछ रहे नगर के विधायक सुल्तानपुर के भारतीय जनता पार्टी ने वो सब काम किया है जो किसी ने नहीं किया। क्या किया हमको बताइए, काम एक एक काम गिनावे। 2 बजे रात से लोग लाइन लगाया करते थे गैस सिलेंडर के, अपना सिलेंडर आगे रख के और लेट जाते वहाँ बैठ जाते थे कंबल ओढ़ करके ठंडी के महीने, और सुबह 8 बजे लाइन नंबर आने पर पता लगता था सिलेंडर चुक गया, चले जाइए। महंगाई है, महंगाई बढ़ी हुई है, रोजगार बढ़ा हुआ। गैस सिलेंडर की आप बात करें, गैस सिलेंडर आज 1000 रुपए मिल रहा है। आप एक एक बिंदु में बात करिए, 1200-1400 रुपया सिलेंडर लिया जाता था ब्लैक रेट में, आज सिलेंडर जो है हमको 950 में मिल रहा और घर पे जाकर के मिल रहा। तो ये सुविधा है कि हम 12 बजे रात 2 बजे रात से नंबर लगाऊ और सुबह पता लगे सिलेंडर ही नहीं। उज्ज्वला योजना में जो है सरकार ने जो है मुफ्त सिलेंडर बांटे थे, आज जिनको सिलेंडर बांटा गया उनके घर में जो है वो सिलेंडर भरा नहीं पा रही, इस पर आपकी नजर है? नहीं, वो भरा पा रहे हैं, सब अच्छी तरह से भरा पा रहे हैं सिलेंडर, और सरकार ने सबको लगभग उज्ज्वला योजना में लाभ दिया, और ये सरकार जैसे आज तक की सरकार से सबसे अच्छी सरकार है, ना गुंडई है इसमें, ना भ्रष्टाचार है। नहीं तो आप बिजनेस करके पैसा लेकर के घर नहीं लौट सकते थे। उत्तर प्रदेश का CM इस बार कौन? योगी आदित्यनाथ। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 50 सीट पर। नहीं नहीं नहीं, इच्छा है अगर आपको गुंडई करवाना हो, जातिवाद करवाना हो, चुनैती करवाना हो, मर्डर डकैती करवाना हो, तब उसके बाद लाइए गुंडा को। अब इस सरकार में तो सब सुरक्षित है ना? कहा इस सरकार में लूट जो है बंद हो गया, हत्या बंद हो गई है, चिरती बंद हो गई है। भाई आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, जैसे आप चाहे रात 1 बजे जाइए, चाहे जहाँ जाइए या चाहे जो लेकर के, बहन बेटी सुरक्षित हैं। नहीं तो यही मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, आपके बहन बेटी के साथ हो जाए तो कैसा आपको लगेगा? कल बैंक में खुलेआम जो है बैंक के अंदर जो, अरे वो छोड़ दीजिए। अरे भाई खुलेआम कहाँ बैंक, छोड़ दीजिए। इनके जो सरकारी आंकड़े हैं वो देख लीजिए तो कई गुना बढ़े हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। ये बात कर रहे हैं कि 12 बजे रात को लोग लाइन लगाते थे, इनको पता होना चाहिए था कि बुक हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर गैस मिलती थी। और लाइन जो बात कर रहे हैं, आप इतिहास देखिए, उठाइए कि हिंदुस्तान में जो ये कह रहे हैं कि 70 सालों में हिंदुस्तान को केवल बेचा है कांग्रेस ने, तो आज ये क्या बेच रहे हैं, इनकी क्या बनाई चीजें हैं बेच रहे हैं? ये रेलवे जो भी है, बेल घेल जो भी है, सड़क मंदिर यहाँ तक के लाल किला जो भी है सब बेच दे रहे हैं कारपोरेट। एक चीज आप बताइए, क्या आप व्यापार करने बैठे हैं? ये कहते हैं घाटा हो गया है, घाटा भाई जो हमारे टैक्से जाते हैं, कुत्ता 5 रुपए का बिस्किट खाता वो भी सर्विस टैक्स दे रहा है,
वो टैक्स जो आता है उसी से कंपनियां जो नवरत्न उत्तर प्रदेश का सीएम इस बार कौन होगा? उत्तर प्रदेश का सीएम कांग्रेस के नेतृत्व में वो तय करेंगे, पहले हमारे जो पार्टी के नेता हैं चुनाव लड़ने के बाद, और वो उसका एक उसकी एक प्रक्रिया है, विधानमंडल दल में जो जिसको चुना जाएगा वो होगा। लेकिन ये लोग तो अब नहीं होने वाले, इसलिए कि पहली बार ऐसा हुआ है। ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमने किया, तमाम 2G स्पेक्ट्रम का एक मामला ले लीजिए, जिसमें गैंग के चीफ को माफी मांगनी पड़ी और दिल्ली के कोर्ट में जब 2 साल तक बैठा रहा, उसने कहा कि ना तो सरकार ने कोई एविडेंस दिया, ना पब्लिक से आया, और ना पब्लिक से आया। एक मिनट सुन लीजिए हमारी बात, इसका मतलब लगता है कि मीडिया ट्रायल हुआ है। तो ऐसे ये लोग हैं, ये कभी कह रहे हैं कि यहाँ कोई गुंडाई और नहीं हो रही, केवल आप सरकारी आंकड़े निकाल लीजिए। हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा यहाँ छिनैती, अपहरण, बलात्कार, डकैती, तमाम चीजें ना हुई हो तो आज जो है आज ये बात कहने लायक है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा छिनैती डकैती हो, ये आंकड़े बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। देखिए कांग्रेस वालों ने 75-70 साल झूठ बोला है, अब फिर बोल रहे हैं जनता को मुख्यमंत्री बनाना है और जनता एकदम तैयार है 27 फरवरी कब आएगी, और इतना बटन दबा देगी ना निशान मिट जाएगा कमल का, और सरकार बनेगी भाजपा की। पिछली बार 5 सीट कांग्रेस ने पाया था, अब की 2 सीट भी नहीं पाएगी। वो तो आप लोग का वो है, जमानत जब हो जाएगी इनसे राहुल गांधी शादी क्यों नहीं किया, पंडित निषाद क्यों गए? अरे आपके वो कैसे, कांग्रेस किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, इनसे ये पूछ लीजिए हमारे राहुल गांधी ने, एक मिनट रुकिए, शादी पे इन्होंने कहा तो इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शादी क्यों नहीं किया, और मोदी जी शादी करने के बाद छोड़ क्यों दिए? इसका जवाब इसमें इलेक्शन चल रहा है, राहुल गांधी पिकनिक मनाने गए विदेश, वहाँ अयाची कर रहे हैं विदेश में, यहाँ जनता परेशान है। 2017 का चुनाव वहाँ अयाची करने गए हैं, गलत भाषा का प्रयोग मत करिए, गलत मुद्दे पे आइए, सुनिए यहाँ ना तो अभी आप सुनिए, एक इलेक्शन बताइए, इलेक्शन चल रहा है, मुद्दे पे आप बात करिए, मुद्दा मुझे दो मुद्दा में बात करूँ, जवाब दे उसका ना, जवाब तो दे। 2017 में जो है यहाँ के सुरखान विधायक रहे, पानी के सरकार में 1996 विधायक रहे, 2002 विधायक रहे, 2017 विधायक हुए। आप हमको एक काम बताइए कि जो सुल्तानपुर जो है किसी प्रणाली का स्थान माना जाता है, जो सुरखान सिंह ने किया, मेरा कुछ नहीं है, बच्चा भी बदला जा रहा है, उनकी एज हो गई है, इनके पास एक हथियार है, बच्चा भी बदला जाएगा। हमारी पार्टी में विजयों विजयों नहीं चलते हैं, किसी को लाल कर लिया इनके पार्टी में पैसे वाले चलते हैं, किसान किसान नहीं चलते हैं। क्यों ऐसा काम नहीं किया? मैंने काम बहुत अच्छा नहीं किया है, क्या काम नहीं किया? नाली खड़ा लाभदार, ये प्रधान का काम है, गाय पंडित का नहीं है, हर ग्राम सभा एक सुनिए विधायक है, मोदी योगी को कोई फायदा नहीं हटा देगा इस धरती पे, अब की बार भाजपा सरकार आएगी और सब देखते रह जाएंगे। जो मुद्दे की बात कही, इनके सांसद विधायक सब यहाँ हैं, एक कोई ऐसा काम जो आपने अभी कहा ये तो सतत प्रक्रिया है, नारी खनंजा हैंडपंप, एक कोई एक काम ये बता दे कि जो इन्होंने किया, एक रो रही है कांग्रेस के समय में जो इन्होंने तो कहा कुछ नहीं किया, कांग्रेस के समय में चीनी मिल बनी, आज तक उसका विस्तारीकरण नहीं हो पाया, किसानों ने गन्ना बोला बंद कर दिया, किसानों ने गन्ना बोला बंद कर दिया, चीनी मिल का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, 34 महीने से कर्मचारी तनख्वाह नहीं पाए, और जो है उन्होंने सांसद मिल का आदेश लेकर के चारों विधायकों लेकर किया था,
एक चीनी मिल तो चीनी मिल में कांग्रेस सत्ता में किसानों को एक पैसा नहीं मिल रहा था, दो दो तीन तीन साल बाद मिलता था। योगी सरकार बनी, हर किसान का पैसा आ गया उसके खाते में। 34 महीने से वहाँ पे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिला था, नहीं मिल रहा कर्मचारी वहाँ अभी तक वहाँ कर्मचारी गलत काम कर रहे थे तो आपकी सरकार ने क्या किया? हमारी सरकार ने उनका भी ध्यान दिया है और विस्तारीकरण का वो जो आदेश हो गया है विस्तारीकरण होगा। चीनी मिल यही हो रहा है, हुआ नहीं हुआ है, अभी जल्द हुआ है। अभी मैंने पहले बताया 5 साल से आपकी सरकार है और 10 साल से आपके सांसद हैं, आपकी सरकार क्यों नहीं अभी तक हुआ? ये चुनाव आने की वजह हमारे पाकिस्तान वाले मूल काट के ले जाते थे। एक सवाल काम बताते हैं, उत्तर प्रदेश में इस बार सीएम कौन कोई काम ऐसा बताइए तेजस्वी यादव का जो 5 साल पहले उन्होंने किया। लेकिन सुल्तानपुर की बताओ भाई, आज जानवर हमारे खेत चट के जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। गौशालाओं में गाय मरी जा रही है, गौशालाओं में गाय मरी जा रही है। आज हमारे यहाँ आज वो स्थिति है कि जानवर आप चले जाइए तो सैकड़ों जानवर टहल रहे हैं, और किसी भी गौशाला में चले जाइए गाय सब मरी जा रही है, सब गाय मरी जा रही है। सरकार में रोड बात कर रहे हैं, रोड कर रहे हैं, किसान त्रस्त है, आप चल लीजिए। आज रोड पे गाय चक्कर बंद हो गई है। हनुमान सिंह और आम नागरिक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश का, कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बने जा रही है। उसका सीएम जैसे कि अभी साहब ने कहा कि वो विधायक मंडल कल तय करेंगे उसको सीएम बनाना। एक कांग्रेस पार्टी में सीएम पार्टी सीएम प्रमोट नहीं करती, सीएम प्रमोट वो कर रहे हैं जिनका सीएम होना ही नहीं है। नहीं, बहुत पीछे रहेंगे कांग्रेस से, समाजवादी बहुत पीछे कांग्रेस से। अब की अंडरग्राउंड जो करंट चल रहा है वो चल रहा है कांग्रेस पे, यू टू प्रियंका गांधी। तो समाजवादी बसपा से हमारे साथ नौजवान भी खड़े हुए हैं। अब हम दूसरे पड़ाव पर आ चुके हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइम चर्चा के दौरान चुनाव के संबंधित जो जानकारी लेने के दौरान वहाँ पे माहौल खराब हो चुका था। अब हम विकास भवन के जो पास जो है यहाँ फल वल की दुकान है, यहाँ पे कुछ हमारे आज तक खड़े हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा। पहले तो सरकार पूर्ण बहुमत से भाजपा की बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सीएम योगी ही जो है दोबारा बनेगी। आप कैसे कर सकते हैं, अभी तो पता लग रहा है कौन प्रसाद मौर्य ने भी अपनी इस्तीफा दे दिया, भंजर बन गई भाजपा में। प्रसाद मौर्य क्या कर दिए हैं वो अलग की बात है, स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में आए थे फिर चले गए जो है वो उनका विषय है, लेकिन भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें दी जाएंगे भोपाल का, सत्ता अपना अपना जो है मान रहा है। हमारा ये है कि भाजपा की सरकार बन रही है, भाजपा की सरकार भारतीय जनता पार्टी के विधायक आप यहाँ से चारों विधानसभा चार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी, आप हमको एक काम कोई बता दीजिए सुल्तानपुर में कि कोई ऐसा काम बड़ा हुआ हो जिससे उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जाना जाए। विधायक हमारे यहाँ चार विधायक हैं, हमारे यहाँ माननीय
सांसद महोदया है जो है, सांसद महोदया द्वारा जो है सुल्तानपुर का सुंदरीकरण का कार्य कराया गया जो है, और विधायक के द्वारा भी जो है कार्य कराए गए, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो है कार्य हुए हैं तमाम। कोई एक काम बता दीजिए, ऐसा है जो है काम सब विकास से काम हुए हैं। घाट यहाँ पे है तो पौराणिक स्थल माना जाता है, कुछ नगरी मानी जाती, कुछ भगवान कुछ यहाँ पे जो है रहते थे, तो आज वो जो है सीतापुर घाट जैसे पहले था आज भी है, बल्कि गोमती मित्र मंडल ये सीतापुर के बारे में भी माननीय सांसद महोदया ने जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था तो उसमें जो है उन्होंने जो तीन मांगे मांगी थी जो है चीनी मिल का जो है विस्तारीकरण करना जो है, और जो है ये आपका जो है सीताकुंड को जो है रामायण सर्किट से जोड़ना, ये प्राथमिकता में है उसका जो है। तो आपने जाना इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बने गए, हमारे साथ एक भाई और भी हैं, उनसे हम जानना है चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरह की समस्या आ रही है, कैसे आप कहें भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, कई बार महंगाई महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहेगी, महंगाई घटेगी नहीं। जैसे आप हम सिलेंडर की बात करें, यही कांग्रेस के जो है कार्यकाल में सिलेंडर अगर 10-20 रुपए महंगा हो जाता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अन्य पार्टी के लोग जो है प्रदर्शन करते थे, आज 1000 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। तब भी 1000 रुपए में 914 रुपए में सिलेंडर गया था कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस जमाने में 914 रुपए सिलेंडर गया था, तब भी 1000 के आसपास गया था। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने तमाम गरीब जो है लोगों को सिलेंडर बांटा, आज उनके घर में जो है सिलेंडर रखे हुए हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उज्ज्वला योजना के तमाम लोगों को बहुत सुविधा हुई, खाना बनाने में नहीं पता लगता था चूल्हा, कहीं लकड़ी नहीं मिलती थी, कहीं कुछ नहीं मिलता था, आज बहुत आराम हो गया है। आप यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी में सुल्तान सिंह विधायक रहे, 1996 में जीते, 2002 में जीते और 2017 में विधायक रहे, कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जो कि सुल्तानपुर नगर जो है उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए। सुल्तानपुर का चौड़ीकरण हो रहा है, सारे लोगों करीब 44 सांसद मेहता गांधी करा रहे हैं, उन्होंने भी कराया है, विधायक जी ने सारे काम कराया, कहा नहीं नहीं आप खास रहे, विधायक जी ने क्या काम कराया ये आप बताइए, आप खास रहे, विधायक जी तमाम सड़कें बनवा रहे हैं। देखिए नाली नापदान खड़ंजा ये तो एक जो है मतलब वैसे है काम है, प्रधान होगा वो बनवाएगा, सभासद होगा वो बनवाएगा, जिला पंचायत होगा वो भी बनवाएगा, हम कहते हैं कि सुल्तानपुर एक पौराणिक स्थल है, उसकी नगरी माना जाता है। मेडिकल कॉलेज विधायक जी की देन है, सांसद जी की देन है, और कौन लाया है? सांसद जी के प्रयास से हुआ है, सांसद जी प्रयास से इतना नहीं नहीं इतना काम आप गिना रहे हैं, सब सांसद जी की वो है, है तो भाजपा का। तो आपने देखा यहाँ पे सुल्तान सिंह जो है 2017 में विधायक रहे जो है, सिर्फ जो है उन्होंने भाई साहब का कहना है सिर्फ उन्होंने सड़क बनवाई है और यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है कि जो है इससे सुल्तानपुर नगर जो है उत्तर प्रदेश में जाना जाए। हमारे साथ एक भाई और भी खड़े हुए हैं, हम इनसे जाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का सीएम इस बार कौन होगा, क्या नाम है सर आपका, क्या क्या काम योगी अखिलेश यादव करे को तो फिर ही नहीं पाएंगे, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम तरीके के मुद्दे हैं, कैसे आप सरकार उसकी व्यवस्था भी दे रही है, महंगाई और वो कोई गवर्नमेंट थोड़ी चाहती है कि महंगाई ले आए वो ले आए, उसको मजबूरी में कुछ मजबूरियाँ रहती है, कुछ काम भी उन्होंने किया है, ऐसा काम किया है कि उनका काम जो है जन्मों जन्मांतर तक जाना जाएगा, आने वाली पीढ़ियाँ भी आके राम मंदिर बन रहा था, विश्वनाथ जी का मंदिर बन गया, अखिलेश यादव जी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब हम उसमें लगे हुए हैं तभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया।
तो आपने सुना भाई साहब का ये भी कहना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। हम इसे यह भी जानना चाहेंगे, एक भाई और भी खड़े हुए हैं, सूचना जारी हो गई, आचार संहिता लग गए हैं, आज जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, आज पता लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा दे दिया है। इस दौर में जो है भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बना पाएगी? जहाँ पाएंगे अवसर वहीं चले जाएंगे, उन लोगों कोई डर नहीं है, यहाँ कलवा चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने तमाम छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके पूर्वांचल में करे, पूर्वांचल में इनका खाता जो है भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा इस बार, चाहे जो हो जाए। तो आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम होंगे, हमारे बीच में एक जो है और मान भाव आ गए, हम इनसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का सीएम कौन होगा? बहन कुमारी मायावती, कोई उनका जो है यहाँ पे टिक नहीं रहा है, सुल्तानपुर का हम खड़े हुए हैं, 188 सुल्तानपुर में सबसे ईमानदार, सबसे निष्ठा और ईमानदार प्रत्याशी डॉक्टर जी एस मिश्रा साहब है हमारे, 23% हमारे वोटर ये शिवरादरी है, उसके बाद ये है मायावती का वोट है, जी एस मिश्रा कम से कम 50,000 वोट मिलेंगे। आप एससी का अपना वोटर माने, आपके एससी बिरादरी में तमाम संगठन जो है खड़े हो गए हैं, जो कि कुछ सपा में चले गए हैं, कुछ भाजपा में चले गए, ऐसे आप ऐसे मान सकते हैं कि जो है सपा में मूल रूप से यादव नहीं है, जिसको आप बेस वोट मानते हैं, लेकिन समाज बहुजन समाज पार्टी का वोटर मुद्दा है और रहेगा। तो मुद्दा आपका क्या रहेगा? मतलब बहन जी के कार्यकाल में कभी कभी कोई विवाद नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, विकास हुआ, चाहे आप गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद में, चाहे महानगर लखनऊ आप देखें, जितना विकास कार्य बहन जी के कार्यकाल में हुआ और जितना शांति गाँव से व्यापारी से लेकर के सारे लोग रहे, उतना शांति अगर किसी के कार्यकाल में मिला होता बताइए। आपकी पार्टी ने जो है बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर डी एस मिश्रा को प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया है। डॉक्टर डी एस मिश्रा की अगर हम बात करें तो हमको जहाँ तक याद है कि प्रधानी का भी चुनाव नहीं जीत पाए, वो चेयरमैनी का भी चुनाव नहीं जीत पाए, क्या आप मानते हैं विधानसभा का चुनाव वो जीत पाएंगे? माननीय विधायक अनु संडा जी चेयरमैनी हार गए थे, लेकिन विधानसभा जीते, क्यों जीते? दो बार ये जनता का रुख है ना, दो बार विधायक रहे अनु ग्राम सभा दो बार, लेकिन चेयरमैनी हारने के बाद नहीं, वो तो चेयरमैन हारने के बाद, ये तो प्रधानी भी हार गए, उसके बाद जो है चेयरमैनी भी हार गए, जिला पंचायत सदस्य भी हार गए, जो लड़ेगा वही हारेगा ना, जो लड़ेगा ही नहीं हो क्या हारेगा? चलिए हमारे साथ और जो है भाई है, इनसे हम जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश का सीएम इस बार कौन होगा? उत्तर प्रदेश का सीएम जो है गठबंधन से कोई ना कोई बनेगी, कांग्रेस की मदद से। कांग्रेस की मदद से कैसे आप कह रहे हैं कांग्रेस की मदद से बनेगा? कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, किसानों की लड़ाई लड़ रही है, रोजगारों की लड़ाई लड़ रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी हमारी। अखिलेश कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि तमाम दलों को सहयोग से जो है गैर बीजेपी दलों को सरकार, उन्होंने आज कहा कि हम जब पहले जो है कांग्रेस पार्टी से हमने जो है गठबंधन करके बहुत बड़ी भूल की थी, जो है इस बार नहीं करेंगे। नहीं, ये गलत कह रहे हैं, कांग्रेस का अपना जनाधार है, बड़ी पार्टी है, कांग्रेस ने भूल किया था अखिलेश से गठबंधन करके। तो चलिए, इनका कहना है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बिना गठबंधन के कोई भी सरकार नहीं बना सकती। हमारे साथ एक नौजवान साथी हैं, अब ये बताइए उत्तर प्रदेश का सीएम इस बार कौन हो, किसको चुनेंगे आप? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो हम युवाओं को साथ चलते हैं, 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उसके बाद हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसके बाद लैपटॉप वितरण होगा छात्रों के लिए, और बाबा का काम सिर्फ एक ही है, चिलम दागना, उसके बाद घंटा बजाना, उसके बाद सरंगी बजाने का काम 2022 में गोरखपुर में करेंगे। और मोदी जी का काम ये है, 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है, उनसे हम एक भाषण सीखे है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, रेलवे बेच डाला, हवाई जहाज हवाई अड्डा बेच डाला, कोयले खदान बेच डाला,
और उसके बाद मैं उन्हें भी कहना चाहता हूँ 2024 में वो जाके 30 स्टॉल नया गुजरात में लगाएंगे। अमित शाह तो कह रहे थे कि अब की उत्तर प्रदेश में 350 पार होगी हमारी सीट। तड़ी पार की बात हम लोग क्यों करें, वो कुछ उसका कोई वजूद ही नहीं है बीजेपी में। प्रदेश सरकार की बात कीजिए, प्रदेश सरकार सपा जो है, सपा ने अगले पंचवर्षीय योजना क्या किया जो आप इससे बहुत। हमें लैपटॉप मिला, हमारे पिता श्री को सरकारी नौकरी मिली 2014 में, अनेक जो रोजी कपड़ा मकान दे हम उसी के साथ देंगे 2022 में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की 400 प्लस सीटें आएंगी। लोग कहते हैं कि जो है समाजवादी पार्टी की जब गवर्नमेंट बनती है तो गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होता है। गुंडागर्दी इनके राज में है, एक बीजेपी का यूपी 14 आगे नंबर नहीं याद है, हम बेहोश हो गए थे। एक्सीडेंट करता है कि बताते हैं लाल टोपी वाले सरकार उनकी पार्टी में गुंडे खुद ही भरे हैं। योगी आज एक नया स्टेटमेंट आया है, उनके कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हो चुके हैं पार्टी में प्रदेश। तो फिर इसी बीच हमारे साथ एक नौजवान साथी और हमारे खड़े हैं, तो हम आपका नाम जानना चाहें, क्या नाम है आपका? इस बार यूपी का सीएम कौन होगा? क्या अखिलेश यादव क्या खासियत जो आप अखिलेश यादव को बहुत खासियत होनी चाहिए क्या? बहुत खासियत शिक्षा विभाग में, हाथ विभाग में वो बहुत खासियत होगी, क्या नहीं सर, जब लोग गिनती नहीं कर पाते उनसे अच्छा कोई चीज बनाए नहीं उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने कहा हमने रोजगार दिया है, हम उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त जो है प्रदेश हमने बनाया है। कौन सा रोजगार दिया हम लोग? कौन सा रोजगार दिया? कोई रोजगार नहीं है, सब अगर कोई है युवा के लिए, किसानों के लिए अगर कोई भी नेता है तो मानिए। इनका कहना है उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, अखिलेश यादव इसके सीएम होंगे। प्राइम चर्चा के साथ राजू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।